बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैदान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 7 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं अज़रबैजान और आर्मीनिया एक मरतबा फिर से आमने सामने आ चुके हैं। अब ये दोनों ममालिक दूसरी कारबाह की जंग ख़त्म होने के बाद से लेकर आज तक, मैं आपको बता दूँ कि इनके दरमियान हर 4, 6, 8, 10 दिन के बाद इस तरह से फायरिंग का तबादला, सरहद के ऊपर लड़ाई, जैसे LOC के ऊपर फायरिंग का तबादला होता रहता है, इसी तरह इन दोनों ममालिक के दरमियान भी अब ये रूटीन बन चुकी है कि फायरिंग का तबादला तो लगा रहता है। अब गुज़िश्ता हफ्ते की अगर बात बताऊँ मैं आपको, तो इनके दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते से फायरिंग का तबादला तो लगा हुआ था, लेकिन हालात तब ज़्यादा ख़राब हुए जब ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अज़रबैजान के मीडिया ने ये वीडियो जारी की, फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल होने लगी। और ये वीडियो है आर्मीनिया की साइड की, और इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो आर्मीनिया भारी असलहा अज़रबैजान के साथ सरहद पर डिप्लॉय कर रहा था। अब तो इसका कोई ताल्लुक नहीं रहा ना आर्मीनिया का, नगोर्नो-कराबाख से भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, नगोर्नो-कराबाख के जो लोग हैं वो भी आर्मीनिया शिफ्ट कर चुके हैं। तो अब ये भारी असलहा अज़रबैजान की सरहद पर क्यों लाया जा रहा था, अब इस मूवमेंट को देखते हुए अज़रबैजान ने भी अपनी फ़ौजों को एक्टिव कर दिया, और अज़रबैजान ने भी अपने जो टैंक्स हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो भारी असलहा गोला बारूद है, वो भी सरहद पर जाकर अज़रबैजान ने भी डिप्लॉय कर दिया। तो इस तरह से आर्मीनिया और अज़रबैजान की फ़ौजें आमने सामने आ चुकी हैं। 30 से ज़्यादा एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। आर्मीनिया ये कह रहा है कि अज़रबैजान ने पहल की, अज़रबैजान ये कह रहा है कि आर्मीनिया ने पहल की, और फायरिंग का तबादला इन दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि 1:30 बज रहा है रात का, अभी सहरी का वक्त भी नहीं हुआ, और फायरिंग का तबादला इन दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक जारी है। अब ये हालात ख़राब हुए क्यों, इसकी मेन रीज़न देख लें। ये जो मीटिंग है, ट्राइलेटरल मीटिंग, और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा जो आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं निकोल पाशिनियान और अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा, और यहाँ पर उर्सुला वॉन डर लियान यूरोपियन यूनियन की चीफ, और जोसेफ बोरेल जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, यानी कि पूरे का पूरा जत्था यहाँ पर मौजूद है, जत्थे के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पाशिनियान को आखिरकार घेर लिया। और ये मीटिंग जो हुई, इसके चंद घंटों बाद ये हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। अब ऐसा क्या हुआ इस मीटिंग के अंदर कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए? अज़रबैजान का रद्द अमल, रशिया का रद्द अमल, तुर्किया का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। अज़रबैजान का तो खैर प्रैक्टिकल रद्द अमल मैंने आपको दिखाया। अब ऐसा क्या हुआ इस मीटिंग के दौरान, दो चीज़ें थीं जो बहुत ज़्यादा अज़रबैजान ने जिन पर रिएक्ट किया, ना सिर्फ अज़रबैजान बल्कि रशिया और तुर्किया ने भी रिएक्ट किया। दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, पहले ये आप गुफ्तगू सुन लें एंटनी ब्लिंकन और जोसेफ बोरेल की, उसके बाद बात करते हैं। We are here to reaffirm transatlantic support for democratic, prosperous future for the Armenian people and a more integrated and a more peaceful South Caucasus region. We share the Armenian people's vision for the future. We want Armenia to take its place as a strong, independent nation at peace with its neighbors, connected to the region and the world. We are taking this partnership to the next level, together with our American friends, joining forces to demonstrate our strong commitment to Armenia's sovereignty, democracy, and resilience. We want to join our forces to strengthen and move our relations forward in all dimensions. That's what we agreed with the foreign minister Misoyan. गुफ्तगु आपने सुनी एंटनी ब्लिंकन और जोसेफ बोरेल की। जोसेफ बोरेल ने तो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या लिया वो आपने सुना होगा, मसनियान। अब ये निकोल पाशिनियान हैं, इन्हें नाम नहीं पता, लेकिन आर्मीनिया की इन्हें इतनी फिक्र है पीस और स्टेबिलिटी के लिए ना, जो कॉकसस का एरिया है उसके हवाले से एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पीस एंड स्टेबिलिटी, हमें आर्मीनिया की बहुत फिक्र है। हिस्टोरिकल हमारे जो रिलेशंस हैं, आर्मीनिया आपको मालूम है कि सोवियत यूनियन का भी हिस्सा था, आर्मीनिया CSTO का भी मेंबर था, अब तो खैर बाहर निकल आया CSTO से। आर्मीनिया रशिया से नाराज़ हो गया था कि आपने, अज़रबैजान ने मुझे जंग हरा दी, लेकिन आप बैठकर तमाशा देखते रहे। तो खैर ये तो जनरल किस्म का मक्खन लगाया जा रहा था
इन ममालिक की जानिब से जो इस तरह के बकरे घेरना इनकी रूटीन है, जैसे ताइवान है, यूक्रेन है, या फिर अरब कंट्रीज़ हैं, हमारे कुछ अरब कंट्रीज़ भी इनके बकरे बने बैठे हैं। तो यहाँ पर कॉकसिस के एरिया के अंदर इन्हें एक नया बकरा मिल गया। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान, जो कि रशिया के सदर व्लादिमिर पुतिन से नाराज़ थे, तो इन्होंने मौके को गनीमत जानते हुए इन्हें सर पर बिठा लिया, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान को। अब ये तो काफ़ी पुरानी खबर है कि इनके दरमियान पींगें भी बढ़ रही हैं। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान CSTO से भी बाहर हो गए और नेटो के बहुत करीब जा रहे हैं। ये तो जनरल सी चीज़ें हैं और इनका रशिया को भी पहले पता था, अज़रबैजान को भी पहले पता था, लेकिन जो चीज़ें इंटेंशंस का बाइस बनी और जिस वजह से ये टेंशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, वो दो रीजंस हैं। पहली रीजन तो सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। वी आर डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस वी मेड लास्ट अक्टूबर, द प्रॉमिस टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर बाय आर्मेनिया विद आर्मेनिया एंड एट द सेम टाइम द प्रॉमिस टू सेट अ विजन for the future of our partnership, and this is what we are going to be discussing today. To conclude, we are not forgetting, Prime Minister, about the plight of the displaced Karabakh Armenians. The humanitarian situation of refugees in Armenia remains a priority. Socio-economic inclusion and addressing the short and long-term needs of more than 100,000 forcibly displaced Armenians from Nagorno-Karabakh is also of paramount importance. Our collective efforts should focus on empowering refugees to rebuild their lives with dignity through housing and economic activation policies. I want to stress that we remain committed to the normalization of relations with Azerbaijan based on mutual recognition of each other's sovereignty and territorial integrity in accordance with the Almaty Declaration of 1991. گفتگو آپ نے سنی اورسلا وان ڈر لین اور نکول پاشینیان کی۔ اب اورسلا وان ڈر لین نے باتیں کرتے کرتے، میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے $290 million کے پیکج کا اعلان کیا آرمینیا کے لیے یورپین یونین کی طرف سے، 4 سالوں میں قسطیں قسطیں کر کے۔ یہ $290 million آرمینیا کو خریدنے کی کوشش یہ ان ادر ورڈز کر رہے ہیں کہ اس مد میں یہ جو پیسہ ہے آپ اپنے ملک کے اندر لگائیں، جنگ کی وجہ سے آپ کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے۔ اور پھر اورسلا وان ڈر لین نے کہا کہ جو ناگورنو کارباخ کے ایتھنک آرمینینز ہیں، اب یہ جو لفظ ہے یہ سن کر آبویسلی آذربائیجان کا جو پارا ہے وہ بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ لفظ بولا جو اورسلا وان ڈر لین ہیں، انہوں نے جو ایتھنک آرمینینز ہیں ان کا بہت زیادہ خیال آ گیا اورسلا وان ڈر لین کو۔ اور پھر نکول پاشینیان نے جو بات کی، نکول پاشینیان نے کہا کہ آذربائیجان کے ساتھ تعلقات ہم نارملائز رکھنا چاہتے ہیں، اور الماتا ڈکلیریشن کا ذکر کیا نکول پاشینیان نے کہ الماتا ڈکلیریشن کے تحت جو ہے وہ ہمارے تعلقات نارملائز رہنے چاہیے۔ اب یہ جو ڈکلیریشن ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ کب سائن ہوا تھا۔ یہ سائن ہوا تھا جب سوویت یونین ٹوٹا۔ جب سوویت یونین ٹوٹا تو سارے کے سارے جو کنٹریز سوویت یونین سے جنہوں نے آزادی کا اعلان کیا، انکلوڈنگ آذربائیجان اور آرمینیا، انہوں نے بھی اس ڈکلیریشن پر دستخط کیے۔ اور اس ڈکلیریشن کے تحت آذربائیجان یہ کہتا ہے کہ آرمینیا نے تسلیم کر لیا کہ ناگورنو کارباخ جو سوویت کے دور میں بھی آذربائیجان SSR کا حصہ تھا، تو اسے بھی آرمینیا نے تسلیم کر لیا، یہ جو الماتا ڈکلیریشن ہے اس پر دستخط کر کے۔ لیکن آرمینیا یہ کہتا ہے کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، سوویت یونین نے ہی آذربائیجان SSR کے اندر اس ناگورنو کارباخ کے علاقے کو جو جوزف سٹالن ہیں وہ لے کر آئے تھے۔ اس سے پہلے آرمینیا کی تاریخ اگر بہت پیچھے چلے جائیں تو یہ آئرن ایج کی تاریخ ہے آرمینیا کی، جو آرمینیا کنگڈم ہوا کرتا تھا، پھر آٹھ ساخ آرمینیا کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ آٹھ ساخ جو ہے وہ آرمینیا والے ناگورنو کارباخ کو کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ پر میں ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کی تاریخ بہت لمبی چوڑی ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، میں اینڈ سکرین پر دے دوں گا، وہاں جا کر آپ اگر آرمینیا کی ناگورنو کارباخ کی مکمل تاریخ آپ سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں اینڈ سکرین پر جو ہے وہ دے دوں گا، وہاں پر آپ سن سکتے ہیں۔ بہرحال الماتا ڈکلیریشن کا ذکر کیا جانا اور ناگورنو کارباخ کے ایتھنک آرمینینز کا ذکر کیا جانا، پہلی ریزن تو یہ بنا اور آذربائیجان کی جانب سے اس نقطے پر
बहुत ज़्यादा रद्दअमल सामने आ रहा है कि ये नुक्ता जो कि हल हो चुका है, दो जंगें लड़ी जा चुकी हैं, बल्कि दो से भी ज़्यादा लड़ी, दो तो खबरों में आई बहुत प्रोमिनेंट रहीं, वरना दो से ज़्यादा जंगें लड़ी, और 30 साल के बाद अज़रबैजान ने नगोर्नो करबाख अपना इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इलाका आर्मीनिया से वापस ले लिया, और नगोर्नो करबाख के एथनिक आर्मीनियंस भी आर्मीनिया शिफ्ट हो गए, उन्हें आर्मीनिया से बहुत मोहब्बत है, किंगडम ऑफ आर्मीनिया के साथ हुआ करता था ये 8 साख, तो वो भी वहाँ पर चले गए। अब ये मुद्दा हो चुका है ख़त्म। तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव का बहुत ज़्यादा रिएक्शन सामने आया कि ये बात दोबारा से छेड़ना, तो आप कॉकेसस के एरिया को दोबारा से जंग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो जत्था है ये जहाँ पर भी जाता है, अब पूरी दुनिया में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो यूरोप क्या, मशरिक़ वुस्ता क्या, कॉकेसस का एरिया क्या और साउथ चाइना सी क्या, हर जगह आपको अमरीका और अमरीका के जो एलाइज हैं जिन्होंने अभी अपनी सालगिरह भी सेलिब्रेट की, नेटो का अलायंस जिसे डिफेंसिव अलायंस ये कहते हैं, एक्चुअली ये ऑफेंसिव अलायंस है जिसे हंगरी ने ये नाम दे दिया है इसी समिट के दौरान, तो जहां पर भी जाएंगे जाहिर है ये जंगें तो छेड़ेंगे। अब दूसरी रीज़न जो इससे भी बड़ी रीज़न है जो अज़रबैजान के गुस्से का सबब बनी, इसी मीटिंग के दौरान एक और फैसला भी इन्होंने किया, ये सुन लीजिए उसके बाद बात करते हैं। We will support your businesses, your talents, in particular your small and medium enterprises, so that we can help them to grow, to innovate, and to access new markets. We will also be exploring cross-border transport if and when conditions allow, and in this context, I welcome your Crossroads of Peace initiative, Prime Minister. गुफ्तगु आपने सुनी उर्सुला वॉन डर लियान, निकोल पाशिन्यान, एंटनी ब्लिंकन और जोसेफ बोरेल, जिन्होंने न सिर्फ नगोर्नो करबाख की बात की बल्कि क्रॉस रोड्स ऑफ पीस की भी इन्होंने बात की। अब ये मैं आपको नक्शे से दिखा दूं क्रॉस रोड्स ऑफ पीस क्या है, इनके मुताबिक क्या है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि रशिया अज़रबैजान के मुताबिक क्या है। ये इनके मुताबिक जो क्रॉस रोड्स पीस है वो ये है कि उर्सुला वॉन डर लियान ने भी कहा और एंटनी ब्लिंकन, इनका ये मंसूबा है कि आर्मीनिया के थ्रू हम यूरोप को कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग अज़रबैजान, ईरान, इनकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन ये नक्शा जो है वो इस जत्थे के मुताबिक है। हालांकि नगोर्नो करबाख की दूसरी जंग ख़त्म होने के बाद ये मामलात तय पा चुके थे कि एक ज़िंगाज़ूर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये जो नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली वो नक्शा है जो अज़रबैजान, आर्मीनिया और रशिया के दरमियान जो माहिदा तय पाया था उसके 9 नुकात थे। तो ये एक्चुअल नक्शा है जिसको बिगाड़ने की बात की। अब इस नक्शे के मुताबिक अज़रबैजान ने पहले डिक्लेयर कर रखा है कि अज़रबैजान को नक्शीवान से मिलाएगा ये नक्शा, फिर अल्टीमेटली तुर्किया और यूरोप से भी अज़रबैजान कनेक्ट कर जाएगा। फिर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने यह भी कहा था कि मैं कैस्पियन सी के रास्ते से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी अज़रबैजान कनेक्ट करना चाहता है बाय रोड, बाय रेल रोड, यूरोप के साथ, यूरेशिया के साथ। तो ये बहुत बड़ा प्लान है जो अज़रबैजान और रशिया का प्लान है, लेकिन इसमें बीच में ये गंद डालने के लिए अपना नया मंसूबा क्रॉस रोड्स ऑफ पीस का मंसूबा ले आए हैं, जो कि अज़रबैजान को, रशिया को और तुर्किया को भी पसंद नहीं आया। तुर्किया का भी रद्दअमल सामने आ चुका है और रशिया का भी रद्दअमल सामने आ चुका है। रशिया ने आर्मीनिया को मुखातिब करते हुए कहा कि ये तुम्हें एक और बकरे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे कंधे को इस्तेमाल करेंगे, अभी अगर तुम समझ जाओ तो कॉकेसस के अंदर तुम जंग से भी बच जाओगे और यूक्रेन की तरह एक कंधा बनने से भी बच जाओगे, वरना ये तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाकर जब तुम फीके हो जाओगे तो इसी तरह से छोड़ देंगे जिस तरह से इन्होंने आजकल यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को छोड़ दिया है। लेकिन आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिन्यान को अभी तक तो बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जब ये अपना काम पूरा कर लेंगे तो शायद आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिन्यान को बात समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर अज़रबैजान, तुर्किया, इन्हें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये एक गलत ब्लॉक में थे कल तक, अभी भी हैं, लेकिन अगर आगे ये समझ जाएं और ये अपना ब्लॉक तब्दील कर लें और जिस ब्लॉक में इस वक्त ये नज़र आ रहे हैं, रशिया का ब्लॉक, ईरान का ब्लॉक, ये ब्लॉक एक्चुअली इन्हें सूट करता है। ज़ाहिर है ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन, नेटो का जो अलायंस है वो क्यों कर इन्हें पसंद करेगा। तुर्किया दहाइयों से कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, यूरोपियन यूनियन के अंदर तुर्किया की एंट्री नहीं हुई,
तुर्किया नेटो के अंदर क्यों है, तुर्किया की जो लोकेशन है वो नेटो को मजबूर किए हुए है कि तुर्किया नेटो के अंदर है। जाहिर है दो समंदर लगते हैं, तुर्किया को बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट समंदरी रास्ता है जिसके बगैर इन नेटो कंट्रीज़ का गुजारा नहीं है। तो इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ये वजह है कि तुर्किया नेटो के अलायंस के अंदर है, वरना तुर्किया को ये ममालिक भी बर्दाश्त नहीं करते। अब तुर्किया और अज़रबैजान को अपनी फॉरेन पॉलिसी पर गौर करने की ज़रूरत है। तुर्किया तो खैर क्या गौर करेगा, वो तो पूरी दुनिया को गौर करवाएगा, लेकिन अज़रबैजान के लिए अभी देर नहीं हुई, चीज़ें हाथ से नहीं निकली। अज़रबैजान अभी भी अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नज़रसानी करे, जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, या फिर यूरोप को गैस प्रोवाइड करने का मामला है, या फिर नेटो के ब्लॉक में एंटर होने की कोशिश, अज़रबैजान को बहुत महंगी पड़ सकती है। लेकिन ये खैर स्टार्टिंग डेज में ही अज़रबैजान को रियलाइज तो हो गया कि ये जो ब्लॉक है इसका सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद है रशिया को वीक करना, रशिया के अलायंस को तोड़ना, रशिया को आइसोलेट करना, रशिया के इत्तेहादियों को अपने ब्लॉक के अंदर ले जाना, उन्हें पैसे का लालच देना, उन्हें फ्रीडम का, जमहूरियत का लालच देना। और ये चीज़ें अब खैर खुलकर अज़रबैजान के सामने आ चुकी हैं कि अब ये इतनी हल्लाशेरी आर्मेनिया को एक मीटिंग के बाद, इसके चंद घंटे के बाद ये सारा सीन जो है वो सरहद के ऊपर क्रिएट हुआ, इतनी हल्लाशेरी इस जत्थे ने दे दी है आर्मेनिया को एक मीटिंग के बाद। आगे पता नहीं क्या होगा कि आर्मेनिया ने अपने टैंक्स भी उतार दिए और अलमाता डिक्लेरेशन भी आर्मेनिया को याद आ गया, जबकि नगोर्नो करबाख का तनाज़ा मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है। और वो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान, जिसमें वो जो रूट है, जो ट्रांसपोर्ट का रूट है, किस तरह से अज़रबैजान को नखचीवान से मिलाना है, वो भी आर्मेनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान अब उस एग्रीमेंट को भी साइड पर फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। अज़रबैजान ने जो नगोर्नो करबाख का इलाका, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नगोर्नो करबाख का इलाका जो इतनी जंगें लड़ने के बाद लिया है, उसे ऐसे तो अज़रबैजान नहीं जाने देगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।